सर आप पूरी दिल्ली घूम रहे हैं, यहाँ के सेंटर का जायजा लिया, किस तरह की स्थिति लगी जा रही है? कि आज जब मेहरौली के इस पॉली क्लिनिक पर आया हूँ जो निगम के द्वारा चलाया जाता है, प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन अभियान है आज निगम की ओर से भी बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। जब 45 साल से उम्र सीमा 45 साल तक के लोग लगवा सकते हैं, ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम पूरी दिल्ली के अंदर सब कार्यकर्ताओं को जहां वैक्सीनेशन सेंटर है वहां एक हेल्प डेस्क बनाकर लोगों को रजिस्ट्रेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। बहुत जगह भ्रम रहता है कि लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, उस भ्रम को भी आज पार्टी कार्यकर्ता दूर कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन है, भारत का गौरव है, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है और सब लोग इस काम के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं। और देखिए, भारत जैसा कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश इतनी तेजी से कोरोना से लड़ाई लड़के उसको जंग को जीत रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार और मोदी जी के कुशल नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करते हैं। इसमें इस काम में अब जो काम है हम लोगों को आगे आकर सबको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना की तीसरी लहर है उसमें हमें सब लोगों को कहना चाहिए वैक्सीन लगवाएं और कोरोना का नियमों का पालन करें। केजरीवाल जी बोलते हैं कि अगर केंद्र मदद करे तो इस तरह के सेंटर और वैक्सीनेशन दिल्ली में और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, तो इसको लेकर के देखिए, अभी लगभग 37 लाख वैक्सीन की डोज प्रतिदिन भारत में लग रही है। भारत सरकार ने 50 लाख इसका लक्ष्य लिया है कि हम 50 लाख प्रतिदिन लगा सकते हैं। कहीं किसी भी राज्य में जितनी भी वैक्सीन की डोज मांग रहे हैं वहां पहुंच रही है, सिर्फ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है। इसमें दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए और मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली सरकार जो काम मोदी जी कर रहे हैं, आज दिल्ली में फिर कोरोना बढ़ रहा है, आपने यहाँ पर सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल 10,000 बेड का किसने खोला, डीआरडीओ वाला हॉस्पिटल किसने खोला, कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल निगम ने बनाए, केंद्र सरकार ने बनाए, और दिल्ली के लोगों को मदद उस समय जब बहुत बड़ी लहर थी तो केंद्र सरकार ने मानी, गृहमंत्री अमित शाह जी ने की थी। आज भी जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है और इसमें हम पूरी तरह से दिल्ली वासियों की मदद के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार चाहेगी उसकी मदद के लिए वो क्रेडिट ले रहे हैं इस वैक्सीनेशन का केजरीवाल जी। देखिए, क्रेडिट लेना उनकी पुरानी आदत है, लेकिन जो काम करेगा क्रेडिट उसको मिलेगा, दिखेगा भी।